हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सत्य की जीत खंड काव्य का पूरा सारांश प्लस चरित्र चित्रण भी बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास होने वाली है क्योंकि इस खंड काव्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं वो सब कुछ आज की इस वीडियो में फिनिश कर दूंगा। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस खंड काव्य में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा, 5 अंक आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले आपको सारांश बताते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कि चरित्र चित्रण कैसे लिखना है। देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप सारांश पूरा देख लेते हैं ना तो चरित्र चित्रण की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, पूरा चरित्र चित्रण ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इतना आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाईलाइट एग्जाम में हेडिंग लिखेंगे, काले स्केच से लिखेंगे, लाल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? या फिर काले पेन से लिख देना। उसके बाद लिखना शुरू करना, कवियर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित सत्य की जीत खंड काव्य महाभारत से लिया गया है। इसमें द्रौपदी के चीरहरण की घटना का वर्णन है। इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है, ठीक? आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हो कि इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया है, ऐसे आप एग्जाम में दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? अगर आपके पास टाइम कम हो तो डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? उसके बाद लिखेंगे दोस्तों कि युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा आयोजित द्वित क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को भी हार जाते हैं। भरी सभा में दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि वह द्रौपदी को लाकर उसका अपमान करे। दुशासन द्रौपदी का बाल खींचते हुए उसे सभा में लाता है। द्रौपदी यह सह नहीं पाती और भरी सभा में न्याय के लिए मांग करती है। द्रौपदी कहती है कि धर्मराज युधिष्ठिर सरल हृदय हैं और वे कौरवों की कुटिल चालों से छले गए हैं, ठीक? ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए एकदम सिंपल करके, एकदम संक्षिप्त करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, एक पेज में आप पूरा लिख देंगे और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि पूरा अर्थ आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा, ठीक है? आगे लिखेंगे, अतः सभा में उपस्थित लोग उचित न्याय दें। तभी दुशासन कहता है कि धर्म और सत्य की चिंता मुझे नहीं है, कौरव पक्ष किसी के द्वारा किए गए न्याय को नहीं मानते, ठीक है ना? अब दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है, परंतु अनुपम तेजोक्त रूप में द्रौपदी उसे दुर्गा के समान प्रतीत होती है। वह कांप उठता है और चीर खींचने में स्वयं को असमर्थ बताता है। ऐसे ही सेम टू सेम लिखना है। सभी सभासद का मतलब यह है कि सभा में बैठे हुए लोग जो हैं कौरवों की निंदा करते हैं और द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष की प्रशंसा करते हैं। अंत में धृतराष्ट्र पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज्य वापस करने का आदेश देते हैं। इस प्रकार सत्य की जीत होती है और यह खंड काव्य यहीं पर से समाप्त हो जाता है। तो बस इतना सा आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में इसका सारांश। अब चलिए चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसकी नायिका का चरित्र चित्रण। इसमें नायक जो है नहीं है, इसमें नायिका है जो कि है द्रौपदी, ठीक है ना? तो द्रौपदी का चरित्र चित्रण कैसे लिखना है अब आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। वैसे भी वो आपके दिमाग में पहले से ही धंस गया है, बस आप ये देख लीजिए कि कैसे एग्जाम में उसको खोल करके लिखना है बस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में आपको हाईलाइटेड लिखना है द्रौपदी का चरित्र चित्रण, उसके बाद आपको ये काले स्केच से लिखना है, ठीक है? यहाँ पर काले पेन का यूज आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद लिखेंगे कि सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख नायिका द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं, ठीक? उसके बाद पहली हेडिंग लिखेंगे निर्भीक एवं साहसी। इसमें हम लिखेंगे कि द्रौपदी एक साहसी स्त्री है। पांडवों के जुए में हार जाने पर दुशासन जब केस खींचकर उसे दरबार में अपमानित करने के लिए लाता है तो वह निर्भीकता पूर्वक दुशासन को पापी कहकर फटकारती है। इससे उसके साहसी होने का प्रमाण मिलता है। बस इतना आपको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको एग्जाम में डालना है स्वाभिमानी। इसमें लिखेंगे कि द्रौपदी स्वाभिमानी है, वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है, ठीक है ना? और वह इसे सहन नहीं कर पाती। सभा में वह नारी सम्मान के लिए न्याय मांगती है, ठीक? बस इतना आपको लिखना है स्वाभिमानी हेडिंग के अंतर्गत। तीसरी हेडिंग आपको डालना है ओजस्विनी। ओजस्विनी हेडिंग में लिखेंगे कि द्रौपदी एक ओजस्विनी स्त्री थी। अपना अपमान होने पर वह सिंघनी की भांति दहाड़ती हुई दुशासन द्वारा केस खींचने के बाद वह रौद्र रूप धारण कर लेती है। इससे उसके ओजस्वी होने का प्रमाण मिलता है, ओजस्विनी होने का, ठीक? अगली हेडिंग आपको चौथी हेडिंग डालना है लज्जापूर्ण। इसमें लिखेंगे कि द्रौपदी एक लज्जावती स्त्री है। वह सभा में नहीं जाना चाहती थी, वह हमेशा कुलव्रत की मर्यादा का पालन करती थी। इससे उसके लज्जापूर्ण होने का प्रमाण मिलता है। इतना आपको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है। उसके बाद अगली हेडिंग है साध्वी। इसमें लिखेंगे कि द्रौपदी में शक्ति
ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ साथ सत्य, शील और धर्म का पालन करने वाली शक्ति भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रौपदी एक साहसी, निर्भीक, ओजस्विनी, गुणवती तथा विवेकशील स्त्री है। बस इतना आपको एग्जाम में इनका चरित्र चित्रण लिखना है। अगर कोशिश कीजिएगा चरित्र चित्रण लिखें, क्योंकि ये आसान पड़ेगा आपको। सारांश भी मैंने इतना सिंपल तरीके से बताया कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो भैया टेलीग्राम पर जाओ, लर्न विथ RP सर्च करो, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर इसकी फोटो आपको मैं दे दूंगा, ठीक। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक समय समय पर पहुँचती रहे।